बाप रे, इतना गर्म है ये। पता नहीं किसने इतना गर्म दूध भर दिया। ठंडा कराना पड़ेगा। मजा आ रहा है भरत प्रेम में घूमने में। सॉरी, आप ठीक तो है ना? मीरा क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। देख के नहीं चल सकती तुम? क्या हुआ मिमी? तुम्हारी मिमी भरत को खिला रही थी और इस नव्या ने उसपे गुस्से से आके दूध पलट दिया। क्या? ये सब क्या है नव्या? मिमी भी माँ जैसी है भरत की, कोई दुश्मन नहीं है। तुम ना प्लीज दो अलग अलग इश्यूज को मिक्स मत करो यार। संभाल के बात करो नित्य। ऐसा भी क्या कर दिया नव्या ने कि तुम उसे इतना सुना रहे हो? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मुझे साफ साफ दिख रहा है। आखिर खून खून का ही साथ देगा ना, जैसे कि मीरा जी रातों रात आदि के लिए इनका सारा नजरिया बदल गया। अब ये आदि और अक्की की शादी करने पर तुली है। ये बिल्कुल सही मौका है इस जीप तिवारी फैमिली से छुटकारा पाने का। चिल्लाओ मत मुकुंद तिवारी। तुम श्राप बनकर आए हो मेरे जीवन में। पहले मेरा बेटा तुम्हारी बहू के लिए पागल हो गया, हाँ, और अब मेरी बेटी तुम्हारे दो कौड़े के बेटे के पीछे पागल हो रखी है। मजबूरन शादी तक करानी पड़ सकती है मुझे। ये मेरा घर है, यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। ओह गॉड, बीडी ने कोई ऐसा वैसा फैसला तो नहीं ले लिया? देखिए देविका जी, जो आप खेल खेल रही है ना, ये आप मेरे साथ मत खेलिए। अब मैं नव्या को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। और आप भी एक बात सुन लीजिए मीरा जी, अगर ऋत्विक चाहे ना तो नव्या को छोड़ सकता है। मुझे पता था कि आपका फैसला गलत है, इसलिए मैं शुरू से इसके खिलाफ था। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि मुझे और नव्या को आप इस सब में मत घसीटिए, समझिए आप? मुकुंद जी प्लीज। देखिए गलती मेरी है, आप जैसे अमीर लोगों पर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। गलती की मैंने, लेकिन अब मैं नव्या की आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहता, उसे बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहता मैं। हमेशा आप अपने फैसले सुनाती है ना, आज मैं आपको अपना फैसला सुनाता हूं मीरा जी। अगर आप आदि और अक्की की शादी करवाई तो मैं ऋत्विक और नव्या की शादी तोड़ दूंगा। और नव्या को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। ये मेरा फैसला है।